भोजन करने के बाद नहीं करना, आपका पेट खाली होना चाहिए इसमें। आपका मल त्याग जितना भी होता है आपका, कब जाए तब भी थोड़ी मात्रा में हुआ तब जितना भी हो सकता है, मूत्र त्याग में 3 बीज जो कल बोले थे उसको है ना, वो 3 बीज आपको साफ करने हैं ना, उसके बाद आपको इसको शुरू करना है। उसके बाद आप कुनकुना नमकीन पानी बना लेंगे, जो सैलाइन वाटर होता है उसकी तरह, एक आधा से पौना चम्मच आप मिलाएंगे एक टीस्पून एक ग्लास में तो पर्याप्त है। उसको अच्छी तरह से घोल लें और उसको आपको पटासन में बैठकर, इस पोजीशन में बैठकर आपको धीरे धीरे इसको पीना है, 2 ग्लास पीना है, हर बार 2 ग्लास एक साथ पीना है। 2 ग्लास आप पी लें तो करीब 200 या 250 ml का ग्लास होता है, कुछ 200 ml के होते हैं, 250 ml तो करीब आधा लीटर के करीब आपके पेट में, 500 से 500 ml। हाँ, छोटे ग्लास जो होते हैं वो 200 के होते हैं, बड़े वाले जो है 250 के होते हैं। जो भी उतना पानी आपके शरीर में चला गया है, 400 से 500 ml जो है वो चला गया है। उसके बाद ये 4-5 आसन करने हैं सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में करने हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसके रिपीटेशन की है, मतलब इसको बार बार करने के लिए आप एक बार में ही ज़्यादा समय तक आप इसको मेंटेन करें, ज़्यादा फायदा आपको उसमें मिलेगा। तो पहले आप पैरों में अंतर कर लें खड़े होकर, इतना भूकंपों का जो गैप होता है उतना अंतर कर लें। उसके बाद हाथों को सिर पर रख लें ताड़ासन पोजिशन के लिए, फिर हथेली को ऊपर करके उसको ऊपर ताड़ देना है। इसमें आप आपके पंजों को ऊपर उठाएं या नहीं उठाएं उससे फर्क नहीं पड़ता इस क्रिया के लिए, लेकिन आपको ऊपर वाले भाग को आप पूरा ताड़ देना है, इसको जितना ताड़ दे सकते हो उतना ताड़ देने की कोशिश करें। जितना मेंटेन करेंगे तो जो ग्लास पानी है वो आपकी जड़ से आपकी ग्रहणी में, मतलब जीवन में पहले भाग में वो जाएगा, ठीक है। ये पहली क्रिया थी, जितने देर तक बिना सांस रोके जितने देर तक मेंटेन कर सकते हो उतना करता है। उसके बाद हाथ तले रहे, ये वाला भाग पूरा इस पे तनाव महसूस हो, और जितनी देर तक आप सांस रोके बिना मेंटेन कर सकते हैं उतनी देर तक आपको मेंटेन करना है। इसका पर्पज यही है कि जो पानी है वो आगे की तरफ और बढ़ेगा, जो पूरा जो पाइलोर सॉल्व है जसों का वो खुल जाए और पानी ग्रहणी की तरफ पूरी तरह से निकल जाए और जो छोटी आंत में गया है और थोड़ा आगे बढ़ जाए। और इसी को हमको दूसरी डायरेक्शन में भी करना है, हाथ पूरे तान लें सांस रुकता नहीं है आपको, जितनी देर मेंटेन कर सकते हो उतनी देर मेंटेन करें। तो ये आपकी दूसरी क्रिया पूर्ण हो गई। तीसरी क्रिया के लिए आपको कमर में मोड़ देना है, मतलब पेट चक्रासन क्रिया करना है, उसके लिए आपको कमर में मोड़ देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथों की मूवमेंट आप जैसे रहे सिकोड़ना चाहें या फैलाना चाहें वो आपके ऊपर है, क्योंकि मेन फोकस यहाँ है। तो यदि आपका जगह है तो आप उसको हाथों को फैला लें और पहले बाई तरफ टर्न करें और पूरा रोक के रखें उसको, पूरी बॉडी को ट्विस्ट दें कमर की दुबार में। और फिर धीरे से आगे आ जाए, क्रिया जो है पाई दूसरी तरफ दाहिनी तरफ भी करनी है। तो इससे क्या होगा आपका इलियोसेक्रल वॉल जो है छोटी आंत और बड़ी आंत वाला वॉल वो खुलने में मदद होगी, पानी क्या है बड़ी आंत पे जाने लग जाएगा। अभी इसके बाद हमको 2 आसन जो करने हैं वो खड़े होने की 3 ही जो क्रिया है वो है, इसको मैं दिखाऊंगा। तीसरा है तिर्यक भुजंगासन, इसके लिए आपको पेट के बल में लेटना है